प्रेरणा तथा वो बेजुबान। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 7 साल का राजन अपने मम्मी डैडी के साथ शिमला घूमने जा रहा था। बिना छत की खुली गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा बहुत ही आनंद दे रही थी। राजन के डैडी गाड़ी चला रहे थे। राजन पहाड़ी नज़ारों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। ऊंचे पहाड़, वादियाँ, झरने और तरह तरह के पेड़ बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। हल्की हल्की धूप बहुत ही मनभावक थी। एक स्थान पर उसके डैडी ने कार रोक दी। आगे का टायर पंक्चर हो गया था। राजन के डैडी टायर बदलने लगे और मम्मी सहयोग करने लगी। राजन गाड़ी से नीचे उतरकर पहाड़ पर लगे हुए फूल तोड़कर अपने जेब में भरने लगा। वो फूल तोड़ते तोड़ते एक पतले से पहाड़ी रास्ते पर अंदर जंगल की तरफ थोड़ा आगे तक चला गया। वो अपने मम्मी पापा से काफी दूर पहुंच गया। जब वो वापस कार के पास आया, उसने देखा कि उसके मम्मी डैडी और कार तो वहां नहीं थे। वो जोर जोर से उनको पुकारने लगा। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा हाथी पहाड़ के नीचे सड़क पर आ रहा है। राजन भय से कांपने लगा। हाथी ने रुककर बहुत ध्यान से राजन को देखा। राजन ने प्यार से उस हाथी को अप्पू कहकर पुकारा। वो छोटा हाथी जाग गया कि राजन उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उसने राजन को अपनी सूंड में उठा लिया और सड़क में एक तरफ चलने लगा। हाथी ने राजन को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उसको थोड़ा आगे ही उसके मम्मी डैडी दिख गए। वो उसको ही खोज रहे थे। कार भी वही खड़ी थी। वो लोग उस पर पहाड़ पर खो जाए थे और बहुत ही उदास थे। राजन को हाथी की पीठ पर देखकर वो दोनों हैरान हो गए। राजन ने कहा, ये मेरा दोस्त अप्पू है। राजन के डैडी ने कार में से 4 सेब निकालकर एक एक करके अप्पू को खिला दिए और उसको धन्यवाद कहा। छोटा हाथी भी खुश था। राजन ने अप्पू की सूंड को चूमकर कहा, अप्पू मैं फिर से तुमको मिलने आऊंगा। राजन और उसके मम्मी डैडी शिमला की तरफ चल दिए। कई वर्षों तक राजन का उन पहाड़ों पर आना नहीं हो सका। पढ़ाई करके राजन पशुओं का डॉक्टर बन गया। बचपन से ही उसको जानवरों में बहुत ही रुचि थी। बड़े होने के बाद भी उसको अप्पू नहीं भूला था। डॉक्टर राजन को बहुत से चिड़ियाघरों में पशु पक्षियों के उपचार के लिए बुलाया जाता था। एक दिन उसको लखनऊ के चिड़ियाघर में बुलाया गया। राजन उस समय तक बहुत ही प्रतिष्ठित पशु चिकित्सक बन चुका था। चिड़ियाघर के मैनेजर ने राजन का स्वागत किया। राजन ने उस चिड़ियाघर में जानवरों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। अचानक उसने एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनी। राजन ने मैनेजर से कहा, अब हाथियों को भी जांचना चाहिए, ये आवाज किस हाथी की है। मैनेजर ने कहा, कुछ दिन पहले हमारे चिड़ियाघर में एक हाथी लाया है। वो बहुत ही उग्र स्वभाव का है, उसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। राजन ने कहा, मैं उस हाथी को देखना चाहूंगा। मैनेजर ने कहा, नहीं सर, वो बहुत ही घातक है, आपको हानि पहुंचा सकता है। राजन ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे उस हाथी के पास ले चले। मैनेजर उसको उस हाथी के बाड़े की तरफ ले चला, परंतु स्वयं कुछ दूरी पर ही रुककर हाथी की तरफ संकेत करने लगा। राजन ने देखा कि हाथी की सूंड और पैरों पर खून के दाग थे। इसका मतलब उसको नुकीली चीजें चुभाई गई थी। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। अचानक वो हाथी राजन की तरफ बढ़ने लगा। राजन एकदम घबरा गया, परंतु वो हाथी कुछ ही दूरी पर रुक गया और उसने अपनी सूंड ऊपर उठा ली। राजन ने देखा कि हाथी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। राजन ने उसको पहचान लिया। वो कई वर्षों पहले शिमला के रास्ते में जंगल में उसको मिला छोटा हाथी अप्पू था। राजन ने अप्पू की सूंड को अपने हाथों में ले लिया और अपने सर को उस पर टिका दिया। वो भी रोने लगा। अचानक मैनेजर आया और बोला, आप रो क्यों रहे हैं, क्या इस हाथी ने कुछ नुकसान पहुंचाया है। राजन ने अप्पू की सूंड नहीं छोड़ी और उसको चूमता रहा और रोता रहा। मैनेजर हैरान होकर उन दोनों को देखने लगा।
मैंने जब समझ गया कि राजन और अप्पू एक दूसरे को जानते थे, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। राजन ने अपना बैग खोला और उसमें से दवाई निकालकर अप्पू की सूंड और पैरों के घाव पर लगा। राजन ने अप्पू को गौर से देखा, उसकी आंखों में अभी भी आंसू गिर रहे थे। राजन ने मैनेजर से कहा, कृपया मुझे ये आंखें दे दीजिए, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैनेजर ने कहा, हम तो कल सुबह ही जंगल में वापस छोड़ने जाने वाले थे, ये आपका है, आप इसको जब चाहे ले जा सकते हैं। राजन का अपना फार्म हाउस था। अगले ही दिन वो अप्पू को उस फार्म हाउस में ले आया। उसके बूढ़े मम्मी डैडी और डैडी भी उस हाथी को देखकर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश हुए। 30 वर्ष बीत गए हैं, अब राजन भी दादा और नाना बन चुका है, परंतु अप्पू अभी भी उनके परिवार का सदस्य है और वो राजन के पोते पोतियों के साथ खूब खुश रहता है। मित्रों, इंसानों की तरह ही जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं। हो सके तो जानवरों के लिए आप भी कुछ कीजिए। कितने जल्दी जल्दी बेचारे जानवर इस धरती से लुप्त होते जा रहे हैं। अपनी तरफ से आप भी जानवरों के संरक्षण के लिए जो कुछ बन पड़े कीजिए। अपने घर के पालतू जानवरों को खूब प्रेम कीजिए, बेचारे ज्यादा तो नहीं मांगते आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।